नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं वन इंडिया। टेलीविजन की दुनिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली प्राची देसाई बॉलीवुड का भी एक जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। प्राची अपनी एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में फेमस हो चुकी हैं। छोटे पर्दे पर धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड में भी उनका रुतबा कायम है। आइए आपको बताते हैं प्राची देसाई से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। प्राची देसाई एक भारतीय टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। उन्हें रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, आई मी और मैं जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को सूरत में हुआ। प्राची देसाई ने एकता कपूर के सीरियल कसम से टीवी की शुरुआत की थी। पहले ही सीरियल ने उन्हें सफलता के ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था कि उन्हें बॉलीवुड फिल्म का भी ऑफर मिल गया। प्राची की पहली फिल्म रॉक ऑन सुपरहिट हुई। उसके बाद उनका फिल्मी सफर कुछ खास नहीं रहा। प्राची को बॉलीवुड में करीब 10 साल हो चुके हैं और इस सफर में उनके साथ कई विवाद भी जुड़े। रॉक ऑन फिल्म के बाद प्राची कई फिल्मों में नजर आई। इन फिल्मों में लाइफ पार्टनर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तेरी मेरी कहानी, बोल बच्चन, इन सभी फिल्मों में प्राची को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन सभी फिल्मों में प्राची सीधी साधी लड़की के रूप में नजर आई। इन फिल्मों के बाद प्राची ने कुछ अलग करने का फैसला किया और एक विलन फिल्म में आइटम करते हुए दिखाई दी। प्राची को इस आइटम के बाद विवाद का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट की माने तो इस आइटम की शूटिंग के दौरान प्राची देसाई भड़क उठी थी, जिसकी वजह ब्रेस्ट में सिलिकॉन पैड का इस्तेमाल करने की मांग थी। इस आइटम नंबर के बोल आवारी है, इसमें प्राची देसाई बेहद खूबसूरत हॉट लगी हैं। माना जाता है कि प्राची को ये लुक देने के लिए क्रिएटिव टीम ने काफी मेहनत की थी। इस गाने में प्राची को छोटी चोली वाला ब्लाउज पहनना था। सोर्सेस की माने तो क्रिएटिव टीम ने प्राची से ब्रेस्ट में सिलिकॉन पैड लगाने को कहा था, जिसके लिए प्राची ने इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, सोर्सेस की माने तो उन्होंने खुद को वैनिटी वैन में भी बंद कर लिया था। इसके साथ ही प्राची ने शर्त रखी थी कि जब तक उनसे माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक वो गाना दोबारा शूट नहीं करेंगी। प्राची के गुस्से को देखकर सेट का माहौल काफी गरमाया हुआ था। इसके बाद प्रोड्यूसर एकता कपूर को सेट पर बुलाया गया और उनके समझाने के बाद प्राची दोबारा गाने की शूटिंग करने के लिए राजी हुई। प्राची और एकता का रिश्ता काफी गहरा है और यहाँ तक कि प्राची को टीवी की दुनिया में पहला ब्रेक देने वाली एकता ही थी। प्राची देसाई ने कसम से सीरियल के अलावा रियलिटी शो झलक दिखला जा में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आई। आखिरी बार प्राची शॉर्ट फिल्म कार्बन में नजर आई थी, जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्राची देसाई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अपने स्कूल के दिनों में प्राची शाहिद कपूर की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनकी दीवानगी ऋतिक रोशन के लिए बढ़ने लगी। सोर्सेज की माने तो प्राची हमेशा खुद से ज्यादा उम्र के हीरो के साथ काम करना चाहती है। उनको लगता है कि बड़ी उम्र का हीरो और यंग हीरोइन की जोड़ी फिल्मों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। प्राची देसाई ने सिर्फ 2 सीरियल में काम किया, उन्हें रॉक ऑन में रोल ऑफर हुआ और बिना मौका गंवाए उन्होंने ये फिल्म कर ली। और अब आइए बताते हैं कि किस तरह मिले प्राची को रॉक ऑन। एक बार प्राची जब झलक दिखला जा की शूटिंग कर रही थी तभी उनके पास फोन आया। सोर्सेस की माने तो प्राची निर्देशक से मिलने पहुंच गई, तब उन्हें ये नहीं पता था कि स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया है और कुछ देर बाद ही उन्हें ये फिल्म ऑफर हो गई। प्राची को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें इतनी आसानी से फिल्म में रोल ऑफर हो गया। एक्टिंग और गुड लुक्स की बदौलत प्राची को कई फिल्में मिलती रहीं। हालांकि उन्होंने अभी तक ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन जितने में भी की लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में प्राची इमरान हाशमी के ऑपोजिट नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें करीब 6 अवार्ड मिले। पर्दे पर इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। क्रिकेटर अजहरुद्दीन पर बनी अजहर में प्राची उनकी पहली पत्नी नौरीन की भूमिका में दिखाई दी। प्राची का नाम गोलमाल सीरीज फेम फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ जुड़ चुका है। माना जाता है कि दोनों की नजदीकियां बोल बच्चन के दौरान बढ़ी। दोनों की सेट पर प्रैंक करने से लेकर लिव इन में रहने तक की खबरें सामने आई थी। हालांकि दोनों का रिश्ता लंबे वक्त तक नहीं चला। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी की शादी साल 2005 में माया शेट्टी से हुई थी। प्राची से ब्रेकअप के बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस लौट गए। तो ऐसी हैं प्राची और ऐसी है प्राची की अनसुनी कहानियां। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।